नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। जुलाई में जल सितम से तबाही मच गई है। उत्तराखंड से दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर बेहिसाब बारिश हो रही है और मैदान में मुसीबत बनी नदियां तबाही मचा रखी हैं। तो आपको एक एक करके तस्वीर दिखा रहे हैं। 7 तस्वीरें हैं ये। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हर जगह एक जैसा मंजर है। हरिद्वार जिले के कई कस्बे जलमग्न हैं। लक्सर, खानपुर जैसे इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जबकि लखीमपुर में भी कुछ ऐसा ही मंजर है। हाहाकारी बाढ़ बवाल मचा रही है और उधर उत्तराखंड के सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, जबकि इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली खुद डूबी डूबी नजर आ रही है। उतराता उत्तराखंड, डूबती दिल्ली। तैरते पहाड़, जलमग्न मैदान। पानी में डूबी गलियां, शोर मचाती नदियां। नाव को मिले पांव, कार हुई बेकार। न राशन न पानी, सब पानी पानी। सैलाबी संकट की खौफनाक कहानी। जल कहर जारी, लहरें जिंदगी पर भारी। शहर, बहने लगी गाड़ियां। लक्सर पे नाव, दरिया बना हरिद्वार। पहाड़ पर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। उत्तराखंड में मौसम की ऐसी मार पड़ी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मच गया। दिल्ली डूबी तो सब देखने दौड़े, लेकिन उत्तराखंड के कई शहरों के हालात तो दिल्ली से भी बदतर हो चले हैं। हरिद्वार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। सैलाबी सितम से जिंदगी मुसीबत में है। पानी के बीच भी पीने के पानी का संकट है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरिद्वार से 50 किलोमीटर दूर लक्सर की है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। बीते 2 दिन से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश हरिद्वार में हुई है और हरिद्वार में ज्यादा बारिश का असर निचले इलाकों पर हो रहा है। मैं इस समय लक्सर में हूं और आप देख पा रहे हैं जो पानी की ऊंचाई है वो मेरी कमर के ऊपर है और ये लक्सर का मेन बाजार है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हालात क्या है। लोग अब अपने घरों से, अपनी दुकानों से जो जरूरत का सामान है, जो महंगा सामान है, उसको लेकर यहाँ से निकल रहे हैं और हालात तकरीबन 2 दिन से ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि लक्सर निचला इलाका है। सोलानी नदी, बाकी जो नदियां हैं वो गंगा से कटकर नीचे की तरफ बहती हैं और जब नीचे की तरफ बहती हैं तो हालात इस कदर हो गए हैं कि अब यहाँ से लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। जो दुकानें हैं उनसे सामान निकालना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत भयानक हालत है जी। बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब, ना लाइट है ना पानी है और दुकानदारों की जो स्थिति है वो इतनी खराब है क्योंकि उनको नाली है। आप, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे दुकानदारों ने सेटर उठाया क्योंकि एकदम से रात को पानी आ गया और काफी सामान उनका बह भी गया। अब ये लोग ये ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं तो क्या लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं या कुछ निकालने के लिए भी आ रहे हैं? जो परिवार फंसे हुए हैं बीच में, अच्छा, हाँ, उसको लेने के लिए आ रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची थी ना? एक टीम आई थी, नाव लेके एक टीम आई थी जी। अब देखिए पानी का जो बहाव है आप इन तस्वीरों समझ सकते हैं। ये गली है और इस साइड से पानी का तेज बहाव लक्सर की तरफ आ रहा है तो इस तरीके से जो मेन बाजार है लक्सर का वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और कहाँ नाली है कहाँ नाला है कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि दुकानों में जो कीमती सामान था, जब सुबह उन्होंने शटर खोलकर बाहर निकालने की कोशिश करी तो सामान उनका इसी पानी में बह गया।
लक्सर की गलियों में पानी भर गया है, लोग घरों में कैद हैं। नाव और ट्रैक्टर की मदद से सामान और राशन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम जब इन गलियों में बाढ़ का जायजा लेने पहुंची तो हालात बेहद ही डराने वाले नजर आए। यहां से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्सर इलाके में, लक्सर का मेन बाजार पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है, छाती तक पानी है। इसलिए अब ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है। ट्रैक्टर में देख रहा हूँ तीन चार यहाँ पर चल रहे हैं, क्यों चलाए जा रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ रही है भैया? इनको पानी और खाने की दिक्कत हो रखी है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। घरों में लोग छतों पे खड़े हैं, ऊपर दो दिन हो गए इनको अंदर ही छतों पे, उनके इनके खाने का पानी का सिस्टम सब इनको ट्रैक्टर से के द्वारा पहुँचा जा रहा है। परसों से हालत खराब हुई है कि रात में ज्यादा बारिश हुई है? रात में ज्यादा बारिश परसों रात से। अच्छा, ये कौन कौन सी नदियाँ? एक सोनाली नदी है, कहाँ कहाँ से पानी यहाँ पर आता है? पतरी नदी है, सोनाली नदी है और नाली भी है काफी। देखिए काफी जो छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा से कट के नीचे आती हैं, उनका पानी यहां पर पहुंचा है और उस वजह से अब ये देखिए ये घर का दरवाजा आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। लोग ऊपर छतों पर बैठे हुए हैं, लोग ऊपर छतों पर रुके हुए हैं, नीचे की मंजिल से लोग अब पूरी तरीके से जा चुके हैं। तो ये हालात अब लक्सर के मेन बाजार के हैं। लोग खाने पीने का सामान ये देखिए पीछे थैलियों में लेकर आ रहे हैं। पंकज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी पंकज जो पूरे इस वक्त पानी में खड़े हुए हैं। मैं चाहता कि उनकी तस्वीर भी दिखाई देती कि शायद कितने मुश्किल हालात में ये काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से लोग अपना जीवन यहाँ पर जी रहे हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रैक्टर के सहारे हम यहाँ से रिपोर्ट कर पा रहे हैं और ट्रैक्टर के सहारे लोगों को जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। हरिद्वार के लक्सर और खानपुर जैसे इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा लेते नजर आए। सीएम ने पहले हवाई सर्वे किया, फिर बाढ़ वाले इलाकों में नाव से दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन भी सीएम के द्वारा दिया गया। शासन के लोग जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी जरूरत की सामान है, उन सब की लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ में बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता हो उसके लिए हमने प्रशासन के लोगों को कहा है और मैंने स्वयं सभी क्षेत्रों का दौरा किया है। 10-10 फुट तक पानी भरा हुआ है। रुड़की में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग प्लास्टिक के ड्रम के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे दो लोग रस्सी के सहारे नदी के तेज पानी में उतरते हैं और प्लास्टिक के ड्रम को उफनते हुए रतमऊ नदी से बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो रतमऊ नदी घटौरी का बताया जा रहा है जिसमें थोड़े से लालच के लिए लोग जान का जोखिम उठा रहे हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश से हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गौला का जलस्तर 60,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। लगातार बढ़ते पानी की वजह से काठगोदाम में बने बैराज के सभी चैनल खोलने पड़े हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया है। गौला नदी का क्या नजारा है ये आप देखिए, किस तरीके का दृश्य है। ये मटमैला पानी बता रहा है कि किस कदर बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है कुमाऊं के पहाड़ों में। और ये मटमैला पानी अपने आप में गवाही दे रहा है कि जो बारिश हो रही है वो किस तरीके की परेशानी का सबब लेकर के आ रही है पहाड़ के लोगों के लिए। और फिर ये नदी अगर मैदान में बहते हुए नदियाँ आ रही हैं तो फिर यहाँ भी लोगों के लिए दिक्कत पैदा हो रही है। इधर बैराज का इलाका दिखाऊँ मैं, बैराज के जो भी गेट्स हैं वो सबके सब खोल दिए गए हैं क्योंकि इस पानी को यहाँ पर रोका जाना संभव नहीं है। लगभग 60,000 क्यूसेक को पार कर गया है गौला का जलस्तर और गौला खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसलिए जो गौला के डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोग हैं, यानी हल्द्वानी की तरफ रहने वाले लोग हैं, लालकुआ किच्छा की तरफ रहने वाले लोग हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो गौला से बेहद दूर रहें। इसके अलावा जो गौला का इरवाद रूप है वो हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। टिहरी जिले में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ नई टिहरी शहर में नाले नदी की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है और कई कॉलोनियों को जाने वाले रास्तों में जल जमाव हो गया है, वहीं NH 58 और 94 में मलबा और बोल्डर आने के चलते बार बार रास्ता बाधित हो रहा है।
उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है जिससे कई इलाकों में तबाही भी हुई है। वहीं कुमाऊं के लिए भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। खासकर कुमाऊं के तीन जिले चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर 14, 16 और 17 जुलाई के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट किया है। यूपी में भी उत्तराखंड जैसे हालात बने हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी इन दिनों उफान पर चली गई है। शारदा नदी में देखते ही देखते एक सरकारी स्कूल और एक मंदिर कुछ ही चंद सेकंड में समा गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने स्कूल और मंदिर का नदी में समाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए। हालात ये बने कि लोगों को रास्ता पार करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। बाढ़ के भयावह हालात को देखते हुए एनडीआरएफ को बुलाया गया है। फिलहाल प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। पहाड़ों में बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा गया तो यमुना में उफान आ गया। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच चुका है और दिल्ली के यमुना में इतना पानी कभी नहीं देखा गया। 100 साल के इतिहास में पहली मर्तबा है जब यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा पहुंच गया है। एक एक करके तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आईटी की तस्वीर देखिए, कश्मीरी गेट, बस अड्डा, निगम बोध घाट और सिविल लाइन समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नोएडा के भी कई इलाकों में पानी भरने की खबर, मथुरा, आगरा समेत इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे खेतों में पानी भर गया है, फसलें चौपट होती हुई नजर आ रही हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। डूबती दिल्ली की हर तस्वीर, तैरते पंजाब का हर मंजर, डूबते उत्तराखंड की हर गली, यूपी से हरियाणा टू हिमाचल, जल कहर से त्राहिमाम करते शहर, डूबती दिल्ली की ये तस्वीरें आईटीओ की है। यहाँ पानी का प्रहार रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। राजधानी दिल्ली के आधे लोग सड़क पर तैरने लगे और जो बचे वो रोड पर कार लेकर रेंगते नजर आए। रेंगना इसलिए क्योंकि इतना जाम कि पानी में गाड़ियों को रफ्तार ही न मिल पाए। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आया है और लगातार 2-3 दिन से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि कम पानी, सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाए। लेकिन ये जो स्थिति है, आप ये समझिए, जो यमुना है वो 45 साल का रिकॉर्ड उसने कल तोड़ा है। 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर यमुना बह रही है, 208 मीटर से ज्यादा पर यमुना बह रही है। ये ऐतिहासिक यमुना का जल स्तर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। तो स्थिति अभूतपूर्व है। एक तरह से हम अगर दिल्ली की बात करें तो ऐसा इससे पहले दिल्ली के इतिहास ने कभी नहीं देखा कि इस तरह की स्थिति बन गई हो। डूबती दिल्ली की अब एक और तस्वीर देखिए। ये राजधानी दिल्ली का यमुना बाजार इलाका है। यहाँ हर तरफ पानी का कब्जा है। इंसान ही नहीं जल तांडव से बेजुबान भी परेशान है, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। आप सामने देख सकते हैं, आप ये रास्ता जो है फुल फ्लेज यहाँ से गाड़ियाँ जाती रही हैं और अभी वो सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना यानी कि 5-5, 6-6 फुट पानी यहाँ भर चुका है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है अपने बोट्स के साथ और कोशिश कर रही है कि वहाँ पे अगर कोई भी फंसा हुआ है उनको निकाला जाए। ये आप एक देख रहे हैं टेंट टाइप का ये जो लगा गेट बना हुआ है, इसके सीधा जाके राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी सारी जो है गौशालाएं भी हैं वहाँ पे और साथ ही जो उसके उस तरफ जो यमुना के जो बेल्ट पे जितने भी लोग रहते थे दिल्ली सरकार की तरफ से उनको यहाँ पे एक शेल्टर बनाया गया था इस तरफ, लेकिन आज वो शेल्टर पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। ये मेन रोड है, इस वक्त जहाँ हम लोग खड़े हैं ये रिंग रोड ही है। रिंग रोड से ये रास्ता अंदर जाता है और ये निगम बोध घाट के बैक साइड का हिस्सा है
और ये पूरा का पूरा भर चुका है। सामने ये संत परमानंद हॉस्पिटल भी है, ये हॉस्पिटल भी बंद हो चुका है, इसमें भी पानी भर चुका है। और जो हमारी बातचीत हुई है, जानकारी मिली है कि यहाँ से कल रात को ही सारे जो लोग थे और जितने भी ऐसे मरीज थे जो कि यहाँ पे होंगे उनको वहाँ से निकाल दिया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कितने ये गायें जो हैं उनको वहाँ से लेके, मैंने जैसे बताया कि इधर गौशाला है और उस गौशाला में पानी भर चुका है और अब वहाँ से लोग अपने गायों को इधर बाहर लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गर्दन तक जो है पानी है और कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, कोई भी इस बाढ़ या इस पानी के चलते जो हताहत ना हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भरे पानी में किस तरीके से गाय को खींच खींच के लाया जा रहा है। काफी बहुत बड़े यहाँ पे गौशाला इस तरफ है जहाँ पे कि काफी संख्या में जो है गाय यहाँ पे पाली जाती है। फिरोजाबाद के निहाला लवेरा गाँव में हालात काफी खराब है, लोगों के खेतों और घरों में पानी घुस गया है। अभी तक 1000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, बीएसएफ और सेना के जवान तैनात हैं। बांध टूटने की वजह से सतजल नदी का पानी गांव तक पहुंच गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के फिरोजपुर में, बोट में सवार हूं ताकि आपको जमीनी हकीकत बता पाऊं। हम जाएंगे अलग अलग गांव में, तलीग्राम मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है ये इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जो सतलज नदी का पानी है वो यहां तक पहुंचा हुआ है और ये कोई नदी नहीं है कि हम बोट से जा रहे हैं। दरअसल जहां पर हम जा रहे हैं ये यहां पर चावल की खेती होती थी लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी भी तबाह हो चुकी है क्योंकि घर के घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं, गांव के गांव यहां पर बर्बाद हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो कि उनका रेस्क्यू किया गया है, कुछ लोग अपने घरों को देखने जा रहे हैं, कुछ लोग बीमार हैं उनका रेस्क्यू होगा। अभी तक 1000 ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू हो चुका है और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलना असंभव होता, मेरे सहयोगी चंदन आप तक ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। और यकीन मानिए कल हमने शाहकोट की तस्वीरें आप तक पहुँचाई थी। अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पर फिरोजपुर में मौजूद हैं और अलग अलग गाँव हैं जहाँ पर लोगों की समस्या बढ़ चुकी है क्योंकि वो बता रहे हैं कि पानी तो यहाँ पर आता है, उनकी खेती तबाह होती है जब भारी बारिश होती है, लेकिन इतना पानी कि बाढ़ आ जाए बोट के जरिए हमें जाना पड़ रहा है। लाइफ जैकेट हमने पहनी हुई है क्योंकि काफी गहराई है। हरियाणा के करनाल में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि पानी घरों में घुस गया है, लोग छतों पर फंस गए हैं। गलियों में नदी चल रही है, कार और बाइकें पानी में तैर रही हैं। यहां पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए आर्मी को मैदान में उतरना पड़ गया। जल कहर से दिल्ली ही नहीं उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी जूझ रहे हैं, जबकि नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है जो यूपी को डरा रहा है। फिलहाल हालात ये है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई तो हजारों लोग बेघर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यमुना का जल स्तर बढ़ने से नोएडा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और जिसमें लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। सेक्टर 168 में बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया है और इस दौरान डीएमबी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए नजर आए हैं, जिन्होंने बोट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। न्यूज 18 की टीम भी बाढ़ के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है, जिससे अलग अलग इलाकों में तस्वीरों से बाढ़ भयावहता साफ देख सकते हैं आप। दरअसल हथिनीकुंड डैम से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यमुना किनारे बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसको देखते हुए वहां रह रहे लोगों को प्रशासन सुरक्षित ठिकानों पर लगातार पहुंचाने में जुटा हुआ है। देखिए अभी जो ये डूब क्षेत्र का क्षेत्र है यहाँ पे लगभग 6 से 7 गांवों में सूचना मिल रही है जहाँ पे कि पानी भर गया है। अब भी जैसे यहाँ देख रहे हैं लगभग 5 फीट के आसपास पानी यहाँ पे भी भरा हुआ है और अभी आगे पानी और बढ़ने की संभावना है। तो हमारे अधिकारी लगातार हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ से सूचना हमें प्राप्त हुई है वहाँ पे सब लोग लगे हैं। हम लोग भी क्षेत्र में ही हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी अलग अलग जगहों पे लगी है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए, जानवर जो फंस गए हैं उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए और उनको सारी सुविधाएं दी जाएं।
ये हम लोगों ने हर जगह पे, जैसे यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, नजदीक का एक कम्युनिटी सेंटर है जिसको हम लोगों ने राहत शिविर के रूप में डेजिग्नेट किया है, वहाँ पे सारी व्यवस्था है, हमारे अधिकारी वहाँ पे तैनात हैं, जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं उनके आराम करने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे सुनिश्चित कराई गई है। 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है, यमुना का जल स्तर बढ़ गया और इस समय हम खादर एरिया में मौजूद है, यमुना से सटे हुए नोएडा में छपरौली मंगरौली गांव है और आप तस्वीरें देखेंगे, यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम लगी है, फायर विभाग और पुलिस विभाग के लोग जुटे हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, सेफ जोन भेजा जा रहा है। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर हैं प्रदीप जी, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटों से जुटे हुए हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, कितने घंटों से ऑपरेशन चल रहा है और अभी स्थिति क्या है, कितने लोगों को निकाल दिया गया है? देखिए, हमने कल भी 4 व्यक्तियों को निकाला था, वो उस साइड का पानी था। अभी जो पानी है इसका जो जलस्तर है रात में इतना अचानक बढ़ गया कि जो फार्म हाउस के लोग हैं, जो यहाँ पे वर्कर हैं, जो काम करते हैं, वो निकल नहीं पाए। बात करें तो अभी स्थिति क्या है और क्या लग रहा है कि ये जलस्तर और बढ़ेगा आने वाले वक्त में? बिल्कुल, देखिए अभी हम जो है जलस्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है और हर एक घंटे में जो जलस्तर है लगातार हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, ऊपर से आदेश भी मिल रहा है, हमारे डीजी महोदय भी इसमें जो है मार्गदर्शन हमें प्राप्त कर रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग को जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें लग रहा है कि कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा और हम जो यथासंभव प्रयत्न करेंगे कि सबको जीवित निकाल सके। इस समय नोएडा के डूब क्षेत्र में मौजूद है और आप तस्वीरें देखेंगे, चारों तरफ पानी ही भरा हुआ है, जिस तरीके से 45 वर्ष बाद तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं और यमुना का जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद से ये स्थिति देखने को मिल रही है कि नोएडा में पहली बार डूब क्षेत्र में इस कदर पानी भर गया है कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस समय वाटर बोट में मौजूद है और लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ डीसीपी हैं नोएडा जोन 1 के हरीशचंद्र, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, खुद रेस्क्यू आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी, क्योंकि जल भराव जो है वो ज्यादा हो गया है? ये कल शाम से जो है वो हम लोगों ने काफी गौवंश को रेस्क्यू किया था, पानी जो है वो बढ़ रहा था, सभी लोगों को।